क्या आपको पता है कि कैटरीना कैफ को ब्रेकअप के अलावा कहां कहां धोखा मिला? क्या आपको मालूम है कि कैटरीना कैफ कितनी बार अपनी जिंदगी को थैंक यू बोल चुकी हैं? क्या आप जानते हैं कि किस तरह जिंदगी के आखिरी सेकंड में एक बड़े हादसे से बच गई कैटरीना कैफ? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैटरीना कैफ की जिंदगी के उस पन्ने के बारे में जिसे सुनकर उनके फैंस शॉक्ड रह जाएंगे। ये कैटरीना कैफ का ऐसा सच है जिसे वो भी आज तक नहीं भूली है। कैटरीना कैफ के साथ एक बार हादसा हुआ था और ये हादसा हुआ था हवा में। इसे जब भी वो याद करती हैं, तो डरा देने वाले दिन की याद आ जाती है। दरअसल कैटरीना कैफ एक बार हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रही थीं, तभी अचानक उसमें खराबी आ गई। कुछ सेकंड बाद चॉपर हिलने लगा। कैटरीना ने खुद खुलासा किया है कि इसके बाद लगा मानो सब कुछ खत्म होने वाला है, मगर ऐसा हुआ नहीं। चॉपर संभल गया और कैटरीना कैफ बाल बाल बच गईं। कैट ने इस पर कहा है, मैं उस पल को सोचती हूँ तो मुझे यही याद आता है कि मेरी माँ ने सब कुछ ठीक होने का भरोसा दिया था। कैटरीना कैफ ने इंटरव्यू में इसे सबसे डरावने एक्सपीरियंस में शुमार किया है। एक बार कैटरीना कैफ की ड्रेस भी उन्हें धोखा दे चुकी है। हुआ ये था कि कैटरीना कैफ एक म्यूजिक अवार्ड फंक्शन में हिस्सा लेने पहुंची थीं। यहाँ उन्हें लाल रंग की ड्रेस में हॉट डांस करना था। उस वक्त कैटरीना का शीला की जवानी गाना खूब धमाल मचा रहा था। कैट जैसे ही इस गाने पर परफॉर्म करने लगी, तभी स्टेज पर ऐसा हुआ कि वो शर्म से लाल हो गई। दरअसल कैटरीना कैफ की ग्लैमरस ड्रेस ने धोखा दे दिया। कैटरीना कैफ ने किसी तरह खुद को और फिर लिबास को संभाला, जिसके बाद वो वहां से कुछ देर के लिए चली गईं। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे की प्री एंगेजमेंट पार्टी में ऐसा हुआ जिसे कैट याद नहीं रखना चाहती। इस पार्टी में बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की कई जाने मानी हस्तियों ने शिरकत की। इसी में कैटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय भी शामिल हुई। दरअसल ऐश्वर्या राय ने इस पार्टी में कैटरीना कैफ को इग्नोर कर दिया। ऐश्वर्या ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो कैट के सामने आने से बच सके, क्योंकि कैट ने एक बार ऐश्वर्या को लोमड़ी बोल दिया था। उन्होंने जग्गा जासूस के प्रमोशन के दौरान ऐसा कहा था, हालांकि बाद में चालाक लोमड़ी कहकर खुद को बचाने की कोशिश की। फिल्म शुभ मंगल सावधान की वजह से कैटरीना कैफ के साथ ऐसा वाक्य हुआ जिसे खूब सुर्खियां मिली। दरअसल फिल्म में एक सीन के होर्डिंग में एक खुश मिजाज लड़की आम पकड़े हुए और उसे चूसते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद फिल्म की हीरोइन उसकी नकल करने की कोशिश करती है। कहते हैं कि होर्डिंग वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कैटरीना कैफ है। ऐसे में उनकी नकल करने का मजाक खूब उड़ा था। तो दोस्तों, कैटरीना कैफ के साथ हुए इन चारों मजेदार वाक्यों में कौन सा लग है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।